नमस्कार दोस्तों, आपने हलाल कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। हमेशा दो तरफा आर्गुमेंट दिए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे के तथ्य क्या हैं ये जानते हैं। तथ्य जानना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि मैंने देखा है कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, जबकि हमें इसको सिर्फ एक इंसानी और नैतिक और निष्पक्षता के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में सोचना चाहिए। तो चलो अपनी राय साइड में रखते हैं और फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हलाल के सपोर्टर्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। हलाल के काफ़ी सपोर्टर्स कहते हैं कि बस ये एक तो एक फूड चॉइस है, मतलब जैसे कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है। तो ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हलाल का प्रोसेस सिर्फ एक मुस्लिम ही कर सकता है। नॉन मुस्लिम को हलाल सर्टिफाई करने के प्रोसेस के किसी भी स्टेज में अलाउड नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली ये एक एक्सक्लूसिव रिलीजन के लिए हो गया सर्टिफिकेशन। हलाल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्लॉटरिंग गाइडलाइंस दी हुई है, जिसमें हर स्टेप में ये मेंशन किया गया है कि वो स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाला एक मुस्लिम एम्प्लॉई ही होना चाहिए। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो यूरोपियन यूनियन के डिपार्टमेंट ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन की गाइडलाइंस देख लो, उसमें तो वो और भी क्लियर कर देते हैं। कहते हैं कि स्लॉटरिंग हैज़ टू बी डन बाय अ सेन अडल्ट मुस्लिम एंड दैट एनिमल स्लॉटर डन बाय नॉन मुस्लिम विल नॉट बी कंसिडर्ड हलाल। ये भी कहते हैं कि हर बार स्लॉटर करते समय अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। तो जब कोई हलाल सर्टिफाइड मीट लेता है तो एक तरह से वो ये कह रहा है कि ये मीट मुझ तक पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस, जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये मीट खरीद के मैं उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। हलाल के सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि अगर एक समुदाय है जिनका रिलीजन उन्हें हलाल खाने को कहता है, तो उससे बाकी लोगों को क्या परेशानी है? उनको हलाल खाना है, उनको खाने दो, तुम्हें उससे क्या। ये आर्ग्यूमेंट एकदम सही है, पर दिक्कत वहाँ आती है जब दूसरे समुदाय के लोग जिन्हें हलाल ही खाना आवश्यक नहीं है, वो अगर कुछ बाज़ार से लेने जाते हैं तो उनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियाँ जैसे डाबर, हिमालय, ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स देती हैं। तो नॉन हलाल प्रोडक्ट्स की चॉइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो वो नॉन मुस्लिम कंज्यूमर के पास एक तो ऑप्शन ही कम है और वो मजबूरी में हलाल प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो फिर से उसी प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है जिसमें उसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना आयरनी। तीसरा आर्ग्यूमेंट हलाल के प्रोपोनेंट्स का ये होता है कि हलाल इज़ ऑल अबाउट एनिमल वेलफेयर, हाइजीन एंड हेल्दी लिविंग। इनफैक्ट हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का तो मोटो ये है, ईट हेल्दी थिंक बेटर। और ये व्यक्ति जो एलिजिडली एक डॉक्टर है, क्लेम कर रहा है कि ज़हीबा से चूंकि सारा खून निकल जाता है तो सारी बीमारियां भी निकल जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजर नहीं होती तो खून कोएगुलेट नहीं होता, और जानवर का छटपटाना तो सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है और ना कि दर्द की वजह से। और एनिमल वेलफेयर बोल के जानवर को हलाल के पहले तक खूब खिलाया पिलाया जाता है, जबकि मॉडर्न साइंस जिसको ये वीडियो में कोट कर रहे हैं वो कहता है कि 12 घंटे पहले तक फीड बंद कर देनी चाहिए ताकि गट में बैक्टीरिया ना रहे। और स्लॉटर हाउस में जहाँ 10 से 12 हज़ार बर्ड या जो भी मीट पर डे काटा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता कि उसके पहले अल्लाह का नाम लिया जाए हर बर्ड को काटने के पहले। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इशूइंग फतवाज ने ही कहा है कि अगर एक बार अल्लाह का नाम ले लो तो उसको हलाल माना जाएगा। और इसी कारण से तो स्टनिंग भी करी जाती है बिफोर स्लॉटरिंग, विच इज़ डेफिनेटली नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन कुरान, जैसा कि ये वीडियो में कहा गया है। अब देखते हैं जो लोग हलाल के अगेंस्ट हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो कहते हैं हलाल इज़ रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी। ये बात तो बिल्कुल साफ है। एक एग्जाम्पल लीजिए, वेटर ए आपको चाय देता है तो आप ले लेते हो, लेकिन जब वेटर बी आपको वही चाय देता है तो आप नहीं लेते। तो ये फूड चॉइस है या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेटर बी? अगर एक सिख आदमी इस्लामी तरीके से मीट काटे तो वो बिल्कुल वही मीट है जो हलाल मीट होता है, फिर भी उसे रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि काटने वाला सिख था। सेम फूड ओनली डिफरेंट मैन टचिंग इट, दिस इज ब्लेटेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, नॉट जस्ट अ फूड चॉइस। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि हम हलाल को अपोज नहीं कर रहे, हमको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को हलाल सर्टिफाइड चीज़ें खानी है। दिक्कत यह है कि अगर हमको हलाल सर्टिफाइड नहीं खाना है तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? पैराशूट से लेकर ब्रिटानिया तक सारी मेजर कंपनियाँ
प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड बनाती हैं, तो डिसकंटेंट उसको लेकर है कि अगर कोई चाहे कि वो नॉन हलाल प्रोडक्ट खरीदे तो उसके पास इनफ ऑप्शंस नहीं है। और फिर कंपनियों का आउटलुक भी समझ आता है इस केस में कि अगर कुछ लोगों को हलाल सर्टिफाइड ही खाना है और बाकी लोगों को हलाल हो चाहे ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो। इट मेक्स मोर बिजनेस सेंस टू जस्ट हैव वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ कहाँ आपका पैसा लगाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। जमात उलेमा ए हिंद जो एक हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी चलाती है वो बार बार टेररिज्म के आरोपियों को सपोर्ट करती नज़र आती है, जैसे कमलेश तिवारी के कातिल हो या अलकायदा के आतंकवादी। जो पैसा आप हलाल प्रोडक्ट्स खरीद कर उन्हें दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं वो पैसा आप और आपके फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और एक्चुअली हो रहा है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने कर्नाटका बुर्का कॉन्ट्रोवर्सी की आग में बहुत तेल डाला था। क्या आप अपना पैसा इस काम में देना चाहते हैं? हलाल एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है और ये इसलिए बना है क्योंकि इसके पीछे की मंशा भी यही है। हमने पहले ही कहा है कि हलाल इज नॉट अ फूड चॉइस, तो हलाल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है और वो वही एक अचीव करता है कि इट डज इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम। ये हर तरह से अनैतिक और अनजस्ट है और इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम्स ने हलाल खाना और एक पैरेलल इकोनॉमी चलाने में वही फ़र्क है जो नमाज पढ़ना और लाउडस्पीकर यूज़ करके रास्ते बंद करने में। इन दो चीज़ों को वही मिक्स करते हैं जो इस गलत बात को पॉलिटिकल या रिलीजियस रीज़न के लिए बढ़ावा देते हैं। तो हमने प्रो हलाल और एंटी हलाल दोनों आर्ग्यूमेंट्स देखे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे वो प्रो हो या एंटी हो, वो स्टैंड लेने से पहले पूरा सिस्टम समझ लीजिए, उसके पूरे एस्पेक्ट समझ लीजिए। एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हलाल के एस्पेक्ट समझिए, जैसे कि भले ही आप हलाल सर्टिफाइड मीट खरीद रहे हैं लेकिन अगर वो किसी फूड प्रोसेसिंग प्लांट से आता है तो उसको ज़हीबा के हिसाब से प्रोसेस नहीं किया गया है। आप नॉन मुस्लिम को अगर किसी हलाल प्रोसेस से बाहर रख रहे हैं तो हो सकता है कि नॉन मुस्लिम आपको उनके किसी प्रोसेस से बाहर रखें, एंड दैट शुड बी फाइन। जब भी कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में आता है और जब कोई कस्टमर उसको किसी रिटेल स्टोर से जाके ख़रीदता है तो उस रिटेल प्राइस का कुछ परसेंट दुकानदार को जाता है, कुछ मैन्युफैक्चरर को जाता है ऑब्वियसली, और कुछ सर्टिफिकेशन एजेंसीज को जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका खर्चा किया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 14-15% है 2019 के सेंसस के हिसाब से। तो सोचने की बात है कि अगर ये सारी कंपनियां फिर भी वही कर रही है जो 15% पॉपुलेशन की प्रेफरेंस है। सारा डेटा आपके सामने, आप डिसाइड करें कि आप कहाँ खड़े हैं।